नमस्कार किसान भाइयों, जेयू एग्री साइंसेस के ज्ञान सागर प्रज्ञान में मैं शरद कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ के बारे में। हम बात करेंगे क्यों जरूरी है फ्लैग लीफ का स्वस्थ होना, पैदावार पर फ्लैग लीफ का क्या प्रभाव होता है और इस फ्लैग लीफ को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे क्या होती है झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ। पौधे की सबसे ऊपरी पत्ती को कहते हैं झंडा पत्ती यानी फ्लैग लीफ। अगर इसको देखें तो बाली के सबसे पास की जो पत्ती होती है उसे ही हम झंडा पत्ती कहते हैं। इसका पौधे या अच्छी पैदावार के लिए बहुत खास भूमिका होती है, क्योंकि ये गभोट अवस्था या दाना भरने की अवस्था में पौधे को भरपूर प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा उपलब्ध कराती है। पौधे की बाकी पत्तियों के मुकाबले झंडा पत्ती में क्लोरोफिल अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अगर झंडा पत्ती किसी वजह से सूख जाए या टूट जाए तो आपको क्या लगता है फसल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा देखा गया है कि अगर झंडा पत्ती स्वस्थ ना हो या किसी कारण से सूख जाए तो इसका सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि गेहूं की फसल में 75-80% प्रकाश संश्लेषण के लिए झंडा पत्ते की भागीदारी होती है, जो कि भोजन बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। साथ ही साथ गेहूं की फसल में दानों के भरने में भी झंडा पत्ता द्वारा हुए प्रकाश संश्लेषण का योगदान 75% होता है। तो हमने जाना कि झंडा पत्ता कितना महत्वपूर्ण है हम किसानों के लिए, क्योंकि अभी आपकी फसल गभोट अवस्था में है या गभोट अवस्था में आने वाली है, इसलिए इस अवस्था में हमें झंडे पत्ते का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस अवस्था में किसी पोषक तत्व की कमी, बीमारी आदि झंडा पत्ते को कमजोर कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पोटाश एक ऐसा तत्व है जो झंडे पत्ते को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवस्था में इस्तेमाल करें जेयू पोटाश 2000 का। जेयू पोटाश 2000 का प्रयोग आपकी फसलों को पोषण तो देता ही है, साथ ही साथ ये आपकी फसल के झंडे पत्ते को स्वस्थ बनाने में भी सहायक होता है। जेयू पोटाश 2000 का प्रयोग 180 ग्राम प्रति एकड़ की दर से फसलों पर छिड़काव के रूप में करें, क्योंकि झंडा पत्ता हो दमदार तो अच्छी होगी पैदावार। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, मिट्टी मुस्कुराएगी। जेयू एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।